फतेहपुर में कांग्रेस महिला अध्यक्ष रीता गुलेरिया ने शक्ति ऐप के बारे में लोगों को जानकारी दी और जानकारी देते हुए रीता गुलेरिया ने बताया कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस ऐप के जरिए जनता से फीडबैक लिया जाएगा। बता दें, इस ऐप से न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे बल्कि कैंडिडेट्स तय करने से पहले दावेदारों के बारे में उनकी राय भी पूछी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप के टोल फ्री नंबर पर आए सुझावों के आधार पर कांग्रेस पार्टी में निर्णय लिया जाएगा और शक्ति ऐप के जरिए महिला सीधे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तक अपनी पीड़ा और सुझाव पहुँचा सकेंगी। प्रोजेक्ट है जो आम छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सीधा राहुल गांधी जी से के साथ जोड़ा जा रहा है। हम ये फतेहपुर विधानसभा में ये काम कर रहे हैं और 104 बूथों में हम ये शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। लोगों को हम शक्ति प्रोजेक्ट SMS करके जो राहुल गांधी का ये सपना है ये पूरा कर रहे हैं।